दूसरी बार मुझे हाउसिंग सेक्टर के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है और ये हमारे उस कमिटमेंट को दिखाता है कि मध्यम वर्ग के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हम कितने गंभीर हैं। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कई साथी हैं जो क्रेडे के कार्यक्रम में भी मौजूद थे। साथियों, तालकटोरा स्टेडियम में मैंने देश के हाउसिंग सेक्टर उससे जुड़े युवा साथियों से कहा था कि वो हाउसिंग सेक्टर को न्यू इंडिया की ऊर्जा और आवश्यकता के हिसाब से गति दें। इसके लिए देश और दुनिया में जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी, हाउसिंग से जुड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। आपकी मदद के लिए हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़े रहने को तैयार है, आपके साथ चलने को तैयार है, दो कदम आगे जाने को भी तैयार है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये कॉन्फ्रेंस है। दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विद दोज एसोसिएटेड विद द हाउसिंग सेक्टर। दिस शोज द डिजायर ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप एंगेजिंग विथ यू ऑल, नो मोर अबाउट योर गुड वर्क, अंडरस्टैंड योर सजेशंस एंड वर्क टवर्ड्स अ वाइब्रेंट हाउसिंग सेक्टर। इट ऑल्सो शोज योर पैशन एंड कमिटमेंट टवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग हाउसिंग सेक्टर दैट बेनिफिट्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन अवर कंट्री। I understand that members participating in this conference will either showcase innovative housing technologies or will learn from the new innovations that are being shown. This too is very valuable. साथियों, हमारी सरकार ने हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए 7 फ्लैगशिप मिशन पर एक साथ काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हृदय और अमृत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके साथ ही शहरों के ट्रांसपोर्ट में बदलाव और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं भी चल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे सामने अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से घर बनाने की चुनौती है। साथियों, इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया। घर बनाने वालों और घर खरीदने वालों दोनों को ही किस तरह की दिक्कतें आ रही थी उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने फैसले लिए। हमने सबसे ज्यादा जोर एफोर्डेबल हाउसिंग पर दिया। दूसरा, हमने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों को ठीक किया। तीसरा, हमने स्किल डेवलपमेंट पर काम किया। और चौथा, इन सबके साथ साथ हमने हाउसिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने पर ध्यान दिया। आज का ये कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी है। और मुझे याद है कि प्रगति की एक मीटिंग में, शायद आपको मालूम होगा ये मेरी प्रगति की मीटिंग क्या होती है, इसलिए मैं उसके विस्तार में जाता नहीं हूँ। और प्रगति की एक मीटिंग में मैंने मंत्रालयों को ग्लोबल चैलेंज प्रोसेस अपनाने की सलाह दी थी। आज मुझे खुशी है कि आज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के जरिए आप सभी यहाँ पर हैं।